नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति कंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर रहेंगे। 7 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे केदारनाथ। सीएम योगी का प्रस्तावित केदारनाथ दौरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी 9 अक्टूबर को नाव जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीलीभीत का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम योगी का ये प्रस्तावित केदारनाथ दौरा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के वो दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही 8 अक्टूबर को वो बद्रीनाथ पहुंचेंगे जहां वो दर्शन पूजन करेंगे, और 9 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव जाएंगे। यानी कि लगातार बैक टू बैक अब वो अलग अलग जगह दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान जहां वो 9 तारीख को उन्नाव पहुंचेंगे, इस दौरान जहां पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट हो चुका है, सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट हो चुका है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ जाएंगे सीएम योगी, जहां वो दर्शन और पूजन करेंगे। इसके अलावा वो पीलीभीत का भी दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब लगातार बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर दौरे पर जाने वाले हैं, सबसे पहले वो किस जगह पहुंचेंगे, इसको लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई है? और देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ जिलों में दौरे हैं, कल पीलीभीत पहुंचने वाले हैं, वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में ही किस तरीके से आईएएस के तबादले हुए, जिसमें कई जिलों के डीएम भी बदल गए। कुल मिलाकर अगर कमोबेश बात की जाए 2024 को लेकर विकास कार्यों की समीक्षा, और हकीकत में क्या कुछ जिलों में है, जमीनी हकीकत क्या है, लोगों के अंदर किस तरीके से माहौल है, इस सबको परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दौरा शुरू कर चुके हैं। कल बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, उसके बाद बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, उसके बाद उन्नाव का भी दौरा है, उसके बाद कल पीलीभीत का दौरा है। तो कुल मिला के कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ताबड़तोड़ दौरे के साथ साथ जमीनी हकीकत और वहां की मूड को भी जनता की परखें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, और जब भी कभी उनके जनता दरबार या फिर ये समझिए कि जब भी किसी विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं तो वहाँ के जमीनी हकीकत को देखते हैं और उनको बारीकी से भी परखते भी हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं। अब ये जो जिन जिलों के दौरे हैं, चाहे उन्नाव की बात करें या पीलीभीत की बात करें या तमाम और जिलों के जो दौरे हैं, उनको लेकर जिस तरीके से रिपोर्टिंग ग्राउंड अगर बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन एक बार फिर से तैयारी कर चुका है, क्योंकि उनके सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहाँ की जो विकास योजना है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। और पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विकास कार्यों की जब मंडलवार समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो उन समय अब तमाम जो डीएम थे वो जिला के कप्तान थे या फिर तमाम सीओ स्तर के लोगों को जोड़ा था। तो इस बैठक के बाद कितना कुछ अमल हुआ है, उस बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए थे, ये सब चीजों की वहाँ समीक्षा बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, इन सब चीजों को लेकर कार्यक्रम 9 तारीख तक प्रस्तावित हो चुका है। बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास लगातार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वही रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भाजपा की आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू होने जा रही है, महिला सम्मेलन के लिए क्षेत्रवार बैठक शुरू की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए भी बैठक बुलाई गई है, भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। साथ ही आपको बता दें कि धर्मपाल सिंह गोरखपुर की बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो भाजपा की आज से क्षेत्रीय बैठक शुरू होगी।
वहीं लगातार हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अब क्षेत्रवार तरीके से जो है बैठक शुरू हो चुकी है, महिला सम्मेलन के लिए भी बैठक बुलाई गई है, कहां ये बैठक प्रस्तावित की गई है और कौन कौन इसमें मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रवार बैठक शुरू हो चुकी है। कल आपने देखा वाराणसी और पश्चिम क्षेत्र में बैठक थी, आज लखनऊ में यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी बैठक ले रहे हैं, तो वहीं संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर क्षेत्र की बैठक लेंगे। कल कानपुर में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक लेंगे और अलीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी बैठक लेने वाले हैं। इन बैठकों का जो मकसद साफ है कि जो महिला मोर्चा की जो बैठक है, महिला सम्मेलन को लेकर क्या तैयारियां हैं, या फिर जिस तरीके से एक हर विधानसभा वार में 2000 जोड़ने की बात जो कही गई है, जो प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण की बात जो की, जो मिला है महिलाओं को लेकर, उसको अब समय है कि धन्यवाद मोदी के माध्यम से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की महिलाएं हैं, वो चाहे संगठन की हो या विधायक महिला हो या फिर महिला सांसद हो, वो अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में उच्च जब सम्मेलन होगा उसमें शामिल होंगे, तमाम महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे और घर घर तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, उनको घर घर तक पहुंचाएंगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि जो SC मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर भी भाजपा के जो 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र में सम्मेलन होने वाला है, उसमें जो SC वर्ग के लोग हैं, वो चाहे सांसद हों या मंत्री या फिर केंद्रीय जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संगठनात्मक मंत्री बड़े, उसमें भी शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े जो पदाधिकारी हैं, मंत्री विधायक हैं, वो भी शामिल होने वाले हैं। उस बैठक के माध्यम से जो SC मोर्चे को लेकर के जो सरकार की योजनाएं परियोजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर राशन वितरण की बात करें, जो सबसे ज़्यादा जो दलित वर्गों को दिया गया या सुविधाएं जो आरक्षण को लेकर दी जा रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आपने देखा कोरोना काल में सरकार ने किन तरीके से कदम उठाए, उसमें खासकर गरीब तबके का लोग लाभान्वित हुआ है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन करेगी और जो पिछली सरकारों में जो दिक्कतें आई हैं जी जो दलितों को लेकर, वो भी इस सम्मेलन के माध्यम से भाजपा जो है अब वो तमाम बैठकों को करके अब एक तरीके से एकजुट हो रही है और साथ ही साथ जो जनता तक पहुंचने का सिलसिला है या जनता तक अपना मंत्र, अपना एक संदेश पहुंचाने का सिलसिला है, वो भी इन बैठकों के जरिए तय किया जाना कि किस तरीके से रणनीति रहने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन PCF की बैठक, 50वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की जाएगी आज 11 बजे IGP के मर्करी हॉल में ये बैठक आयोजित होनी है। साथ ही आपको बता दें कि BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही मंत्री JPS राठौर, मंत्री दयाशंकर सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, प्रतापगढ़ दौरे पर अखिलेश यादव 2 दिन के शिविर कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अखिलेश यादव आज GIC में करेंगे सभा को संबोधित, तो 5000 कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसे में आज अखिलेश यादव भी प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। 5000 कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में जुटे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रतापगढ़ दौरे पर अखिलेश यादव। और रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर, कौशाम्बी दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, विकास परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, परियोजनाओं की स्थलीय निरीक्षण भी वो करेंगे। तो कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज तमाम परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। अगली बड़ी खबर, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला। ये बड़ी खबर, 5 अक्टूबर को मामले में सुनवाई होगी, MP MLA कोर्ट में आज उस मामले पर सुनवाई होनी है। हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है।
जिसे लेकर के आज सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गाजीपुर से आपको बता रही, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर वाराणसी से, ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला। एएसआई ने कोर्ट में डाला था प्रार्थना पत्र, पत्र में 4 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि एएसआई सर्वे मामले पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा, क्योंकि मामले में आज मुस्लिम पक्ष भी आपत्ति जाहिर कर सकता है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज एएसआई सर्वे की समय अवधि को बढ़ाने के लिए आज सुनवाई की जानी है। वहीं आपको बता दें कि एएसआई ने कोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र डाला था, जहां पत्र में 4 हफ्ते का समय और बढ़ाने की मांग एएसआई द्वारा की गई है। ऐसे में आज एएसआई सर्वे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि मामले में आज मुस्लिम पक्ष भी आपत्ति जाहिर कर सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे लगातार जारी है, और ऐसे में अब सर्वे की जो समय अवधि है उसको बढ़ाने की मांग एएसआई द्वारा की गई है। पत्र भी एक जारी किया गया है, जहां प्रार्थना पत्र में 4 हफ्ते का समय और एएसआई द्वारा मांगा जा रहा है, और ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष भी आज इस मामले पर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां एएसआई सर्वे मामले पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एएसआई ने अब सर्वे की जो समय अवधि है उसको बढ़ाने की मांग की है, इसको लेकर के प्रार्थना पत्र भी उन्होंने दिया है। आज इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन वही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मुस्लिम पक्ष अब इस पर आपत्ति जाहिर कर सकता है। देखिए जागृति, आज अमित कुमार श्रीवास्तव जो एएसआई टीम के अधिवक्ता हैं, उन्होंने जिला न्यायाधीश अजय कुमार विशेष की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है, और उन्होंने 4 हफ्ते का और समय मांगा है। चूंकि 4 अगस्त को समय दिया गया था, और उसके उपरांत एएसआई टीम ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, तो वाराणसी कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते का समय दिया था। जो टाइम ड्यूरेशन था 6 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन एएसआई टीम ने सर्वे न पूर्ण होने की स्थिति में उन्होंने हवाला दिया है कि वहां पे बारिश रुक रुक कर होने की वजह से एएसआई सर्वे बाधित हुआ है, जिसके वजह से जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र के आसपास मलबे हैं, ढके हुए हैं, उनको व्यवस्थित रूप से हटाना, उसके उपरांत चीजों को संरक्षित करके उसको तरीके से उसका सर्वे करना, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है, जिसके वजह से 4 हफ्ते के समय के लिए अमित कुमार श्रीवास्तव ने जो है आज वाद दाखिल किया। वहीं जिला न्यायाधीश ने वादी पक्ष को भी प्रार्थना पत्र आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है, और आज ये स्पष्ट होगा कि क्या समय मिलेगा या वादी पक्ष की आपत्ति के बाद ये सर्वे जहां तक हुआ है उस पर रोक के रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। जागृति, बिल्कुल धर्मेंद्र, और कुल मिलाकर के अब इंतजार इस वक्त का कि जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो, और उसके बाद देखना यह होगा कि कोर्ट क्या एएसआई को 4 हफ्तों का समय और देती है या नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 7 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे इमरान मसूद। तो एक बार फिर थामेंगे कांग्रेस का हाथ। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले इमरान मसूद अपने समर्थकों के साथ सपा में आए थे, तो वही सपा ने इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया, और ऐसे में अब चुनाव के बाद वो बसपा में चले गए थे। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, तो बसपा ने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया, जिसके बाद अब एक बार फिर वो कांग्रेस का दामन थाम सकते। और रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, अमेठी जिले में बनी मजाक, बच्चों को खेलने की जगह बच्चों से ही खुदवाए जा रहे गड्ढे, तो कहीं बच्चों से ही नपवाया जा रहा खेलकूद का मैदान। हमीरपुर में लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, लूट में 3 अभियुक्त सहित 22 तमंचा पुलिस ने किया बरामद। 3 लुटेरों ने छानी मोड़ नहर की पुलिया के पास लूट की घटना को दिया था अंजाम।
बिजनौर में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की बड़ी कार्रवाई, दो कांस्टेबलों को भेजा जेल, नूरपुर थाने में तैनात हैं दोनों कांस्टेबल। श्रावस्ती में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन में हो रही समस्या, जिले भर में फैला मानक विहीन प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन करे कठोर कार्रवाई। संत कबीर नगर में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रोजगार सेवकों ने दिया ज्ञापन, कहा अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। गोंडा में खुलेआम गुंडागर्दी का नजारा पेश कर रहे दबंग, दुकानदारों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दबंग और दुकानदारों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था विवाद। मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया सबसे विफल मुख्यमंत्री, कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त। हमीरपुर जिले के चिकासी गांव में 5 दिन पहले एक घर पर हुई थी चोरी, शिकायतकर्ता ने थाने में इंचार्ज पर लगाया आरोप, शिकायती पत्र के तथ्य बदलकर चोरी किए गए जेवरों को किया दर्शा। हापुड़ में 4 साल की मासूम को पड़ोसी दरिंदे ने बनाया अपनी हवस का शिकार, खून से लथपथ मासूम बच्ची का घर बताई आप बीती, घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस को दी सूचना। हमीरपुर में आपके प्रदेश प्रभारी के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कार्यकर्ता हाथों पर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, आपके पदाधिकारियों ने भाजपा पर साधा जमकर निशाना। इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। झांसी में मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टैक्सी नेशनल हाईवे पर पलटी, आधा दर्जन से अधिक टैक्सी सवार हुए घायल, इलाज के लिए सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया। झांसी में यातायात का पालन न करने वालों के विरुद्ध कर रही ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लोडर वाहनों में सवारियां लेकर चल रही वाहन। आगरा में इनकम टैक्स का छापा, शराफा व्यापारी अजय अवागढ़ के ठिकानों पर टीम कर रही छापेमारी, टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर पहुंची थी टीम। अयोध्या में होटल निर्माण संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान, होटल कॉन्क्लेव हुआ आयोजन, नवीन सभागार में 100 दिन 100 होटल कॉन्क्लेव हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को होटल व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। लखनऊ के जनेश्वर एनक्लेव अपार्टमेंट में 20 मिनट लिफ्ट में फंसी रही बच्ची, चिल्ला चिल्लाकर मदद की गुहार मांगते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुर कोयरान रेलवे फाटक के पास मिला युवक का शव, शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। हमीरपुर में निरीक्षक और उप निरीक्षकों के भारी संख्या में हुए अन्य जनपद में तबादले, जनपद में 38 निरीक्षक और 28 उप निरीक्षक हुए, इधर से उधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुआ स्थानांतरण। लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या मंडल में इंस्पेक्टर का भारी संख्या में तबादला, अयोध्या जनपद से 10 इंस्पेक्टर का तबादला। मथुरा में शहीद बबलू सिंह को दिया गया सम्मान, शहीद के पूरे परिवार ने सरकार को किया धन्यवाद। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में जलकर खाक हुई कार, लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, आगरा अछनेरा मार्ग पर हुआ हादसा। इटावा भरथना क्षेत्र के गोपियागंज में दबंगों ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया था। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, कार सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर, कप्तानगंज सीएचसी में भर्ती।
इटावा में विद्युत विभाग की लापरवाही से जल निगम की पाइपलाइन टूटी, सैकड़ों लीटर पानी हुआ बर्बाद। राजकमल गुप्ता आनंद मार्केट भवन स्वामी के भवन को पहुंच रही क्षति के लिए विद्युत विभाग को ठहराया दोषी। झांसी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में 5 सीनियर छात्र दोषी, 2 महीने, 2 सीनियर 6 महीने के लिए निष्कासित, 500 छात्रों पर 25,000 का जुर्माना। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।